हाय एवरीवन, आशा ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रेसिपी है पटल की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, जो बाजार में तो बहुत महंगी मिलती है और ना जाने क्या क्या मिलाकर बनाते हैं। चलिए हम लोग आज केमिकल फ्री पटल का मिठाई बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी ये मिठाई। चलिए पहले दोस्तों हमें क्या करना है मैं बताती हूँ। ये 1 किलो पटल है, इसको हम आगे पीछे का भाग कट कर लेंगे और इसके पिलर की सहायता से इसे छील लेंगे पटल को इस तरह। इस तरह से हमें सारे पटल को छील लेना है, इसी तरह पिलर की सहायता से। हमें इस मिठाई में छिलके का उपयोग नहीं करना है और छीलने के बाद मैं बताऊंगी कि आगे हमें और क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैं दूसरा भी आप सबको छील के दिखा रही हूँ। आराम से ये छीला जाता है, पिलर की सहायता से बहुत अच्छे से छीला जाता है। इसका सारा छिलका हमें निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, हमने सारा पटल को छील लिया है। अब इसका हम अंदर का गूदा सारा निकाल देंगे। उसके लिए हम ऐसे कट लगाएंगे और आप चाहें तो इसकी सहायता से या चम्मच की सहायता से इसके सारे गूदे को हमें निकाल लेना है। बस यही मेहनत का काम है इस मिठाई में, बाकी आगे कोई मेहनत नहीं है इसमें, इसे निकालना ही। देखिए दोस्तों, बीच से ऐसे कटना है और चम्मच से, आप चाहें तो चम्मच से भी धीरे से इसे निकाल लेना है। देखिए कितना इजीली निकल जाता है। हमें ऐसे ही सारे पटल का बीज निकाल देना है। इस मिठाई में ना ही छिलका ना ही बीज है इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, फिर से मैं दिखाती हूँ। बहुत ही इजीली ये चम्मच से निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं होता है। देखिए दोस्तों कितना क्लीन हो गया है चम्मच से, और इसे निकालने में हमें उतना मेहनत भी नहीं लगता है चम्मच से। इसी तरह हम सारे पटल को निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने सारे पटल के बीज को निकाल लिए हैं और इस पटल के बीज को हमने मिठाई में इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहे तो इसे आलू के साथ भुजिया बनाकर खा सकते हैं, कुरकुरी बहुत अच्छी लगती है, या तो पटल का भरवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस मिठाई में इस्तेमाल हमको इसको नहीं करना है। अब हम मिठाई बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे मैं आप सबको बताती हूँ। यह हमारा 2 कप मावा है, ये 1 किलो पटल है। 1 किलो पटल में ये 2 कप मावा है, ये आराम से इसमें लग जाएगा 2 कप मावा। और ये 1 कटोरी चीनी है, जो इसका फिलिंग हम बनाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए चीनी हम अलग इस्तेमाल करेंगे। और कुछ ड्राई फ्रूट है, जो आप अपने मन पसंद कुछ भी ले सकते हैं, पिस्ता या मैं बादाम और काजू ली हूँ। और 1 कटोरी ये नारियल का बुरादा है, जो ये सब मैं फिलिंग में तैयार करूँगी, ये सब अंदर का फिलिंग इससे तैयार करूँगी पटल के अंदर भरने के लिए। देखिए दोस्तों, हम इसमें खौलता हुआ पानी में अब पटल को डालेंगे और पानी हमें इतना लेना है कि पटल आराम से डूब जाए। सारे पटल को हम इसमें डाल देंगे खौलते हुए पानी में।
अब इसमें हम दो चुटकी सोडा डालेंगे, मीठा सोडा। इसमें सोडा इसलिए डाले हैं कि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और कलर इसका ग्रीन बना रहेगा, कलर इसका चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसमें सोडा डालें। और इसे हम 5 मिनट ढक के पका लेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा 5 मिनट हो गया है। अब इसको हम ऑफ कर देंगे इंडक्शन को, और 5 मिनट ऐसे ही ढक के इसको रहने देंगे। मेरा 5 मिनट हो गया दोस्तों। अब इसको हम एक छन्नी लगाएंगे बर्तन पे, और इसे हम छान लेंगे। इससे पटल का सारा करवाहट निकल जाएगा, और कलर भी देखिए कितना अच्छा हो गया पहले से। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, और इसे हम इसको ऐसे पलट के रख देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए इसका। जिस तरह हम कट लगाए हैं उसको नीचे कर देंगे ताकि सारा पानी नीचे गिर जाए। ये जब तक ठंडा होता है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं दोस्तों। इसमें हम 2 कटोरी चीनी डालेंगे। हम 2 कटोरी पानी डाल देंगे, और चीनी का चाशनी आप इसमें 1.5 कटोरी तक 1.5 कटोरी तक चीनी डाल सकते हैं। मीठा आप अपने अनुसार रखिएगा, ज़्यादा कम अपने अनुसार कर सकते हैं। मैं इतना ही रखती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मिठास पसंद नहीं है। चिल्ली घुलने के बाद हम पटल को इसमें डालेंगे। चीनी को हम चलाते रहेंगे घुलने तक, बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे जब तक घुले नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा चीनी घुल गया है। अब इसमें हम धीरे से सारा पटल का पानी निचोड़ लेंगे। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, सारा पानी को हम निचोड़ लेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। और इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि पानी निचोड़ते समय हमारा पटल टूटना नहीं चाहिए। और सारा पटल को हम चाशनी में डाल दिए हैं। अब इसका हम कलर चेंज होने तक पका लेंगे। अब एक कढ़ाई ले लिए हैं, गैस पे हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब इसमें हम 2 कप जो मावा लिए थे वो चढ़ा देंगे। अब इसका हम पटल का अंदर का फिलिंग बना लेंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी डालेंगे, क्योंकि दूध तो वैसे भी खोआ जलाने से, ये घर का मावा है तो ये तो दूध ऐसे ही मीठा होता है, इसलिए ज्यादा चीनी इसमें ना इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे चीनी को। चीनी डालने से ये हमारा थोड़ा पतला होगा, लेकिन हम फिर भूंजेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। ये घर का मावा है, आप इसके जगह मिल्क पाउडर और दूध से भी बना सकते हैं अंकल के अंदर का मतलब फिलिंग। अब इसमें हम चीनी घुल गया है, अब उसके बाद हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे 1 कटोरी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मिठाई का। अब इसे भी हम थोड़ा भून लेंगे ताकि इसका भी ये मावा में मिल जाए अच्छे से। नारियल भी अच्छे से भुना गया है।
अब मैं इसमें जो अपना ड्राई फ्रूट कटा हुआ ली थी अब इसमें मैं डाल दूंगी। अब इसे भी थोड़ा मैं भून लूंगी और आंच को एकदम मीडियम रखना है, हमें लो टू मीडियम रखना है, नहीं तो ये मावा जलने लगेगा क्योंकि पहले से तैयार मावा है। हमारा मावा रेडी हो गया है, अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे और हम गैस को अब ऑफ कर देंगे। हमारा मावा अब बिल्कुल तैयार हो गया है पटल के अंदर इसका फिलिंग भरने के लिए। अब इसे हम ऐसे ठंडा होने देंगे। अब हम पटल को देखते हैं। देखिए दोस्तों हमें कैसे चेक करना है, एकदम ये चिकना होना चाहिए और ये देखिए एक छोटा सा तार बनना चाहिए हमारे चाशनी में। छोटा सा तार बन रहा है ना, ये हमारा पूरा रेडी हो गया। अब इसे हम बंद कर देंगे और अब इसमें हम एक बूंद जायसेंस डाल देंगे। आप चाहें तो अपने मनपसंद कुछ भी फ्लेवर डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस, इलायची भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और इसे हम मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे हल्का हल्का हिला के और इसे हम बंद कर देंगे। एक घंटा तक चाशनी में ही पटल को रहने देंगे। दोस्तों हमारा पटल को अब एक घंटा हो गया है चाशनी में डूबे हुए। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसका रस हम ऐसे इसी में निचोड़ लेंगे। हम सारा जूस इसी में निचोड़ के तब निकालेंगे। इसी तरह हम सारे पटल को निकाल लेंगे और पटल निकाल के हम इसे पलट के रख देंगे ताकि इसका बचा खुचा जो चाशनी होगा वो भी नीचे प्लेट में गिर जाए। देखिए दोस्तों अब ये सारा जूस से हम इसे निकाल लिए हैं। अब हम इसमें जो हम बनाए थे अपना मावा वो इसमें हम भर देंगे। देखिए दोस्तों भरने में एकदम मेहनत नहीं है, इजली और बहुत अच्छा से भर आता है। आप जितना चाहें कम ज़्यादा आप अपने अनुसार मावा भर सकते हैं। इसी तरह हम आपको दूसरा भी दिखाते हैं। इसका हमें चाशनी जो बचा कुचा है ऐसे निकाल लेना ऐसे, उसके बाद इसमें भी हम मावा भर लेंगे। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है देखने में। हम ऐसे ही सारे पटल को भर लेंगे। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे, उसके लिए हम बीट का जूस निकालेंगे। बीट का हम अब जूस निकालेंगे जिससे हम मिठाई को डेकोरेट करेंगे। इसको हमने बीट को पीस लिया है, इसका हम जूस मिठाई को सजाने में काम लाएंगे। सारा मिठाई को हम अब डेकोरेट करेंगे। पहले हम नारियल के बुरादा में इसे कोट कर लेंगे। सारा मिठाई को हम देखिए एक फिर हम ऐसे ही कर रहे हैं, दूसरा मैं इसी तरह कर रही हूँ। सब मैं नारियल के बुरादा में कोट करके रख लूंगी। इस तरह हम बीट रूट का इसे डेकोरेट कर देंगे। इसे पे हम थोड़ा थोड़ा चम्मच से बस खाई टच कर देंगे। इसे देखने में सुंदर लगे क्योंकि आंखों से पहले मिठाई खाते हैं, मुंह से तो बाद में खाते हैं। देखिए दोस्तों हमने सारा को बीट रूट से हल्का हल्का टच करके इसे डेकोरेट कर दिया है। देखने में लग रहा है ना सुंदर, लग रहा है ना मार्केट का मिठाई है। चलिए दोस्तों और कुछ नया बनाए हम इसको। हम काजू के छोटे छोटे टुकड़े लगा देंगे देख से देखने में और भी सुंदर लगे।
सारी मिठाई पे हम। ये दोस्तों कितना सुंदर मिठाई हमारा बनकर घर पर रेडी हो गया है। अब बिना केमिकल फ्री, दुकान वाले तो इसमें कलर भी डालते हैं ग्रीन कलर का, और मैंने बिना कलर का एकदम अच्छा मिठाई, सुंदर और स्वादिष्ट दोनों बनाकर तैयार कर लिया है घर में। आप भी अपने घरों में बनाइए, खाइए और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।